हेलो स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करेगा जोड़ने का काम करेगा टिश्यू दैट कनेक्ट और बाइंड ऑफ वेरियस सेल्स और पैक वेरियस टिश्यू आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू जो सेल्स को कनेक्ट करते हैं टिश्यू को कनेक्ट करते हैं उन टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इनका जो ओरिजिनेशन होता है एम्ब्रियो की जो मिजोडम होती है बीच वाली जो लेयर्स होती है उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है लोकेशन पाए जाते हैं प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी जो बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी के अंदर पाए जाते हैं स्ट्रक्चर देखेंगे कंपोज ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स पहला है मैट्रिक्स इसके अंदर एक फ्लूड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है नॉन लिविंग होता है इट्स प्रोवाइड द मीडियम एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं धसे हुए होते हैं पार्ट और और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स अभी जैसे मैंने बताया कि मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं सस्पेंडेड होते हैं तो कौन कौन सी से सस्पेंडेड होगी प्लाज्मा सेल्स ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म करती है एडिपोज सेल्स ये क्या फॉर्म करेगी ये फॉर्म नहीं करती है ये स्टोर करती है जो फैट होता है उसको स्टोर कर लेती है फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस द फाइबर एंड मैट्रिक्स हिस्टियोसाइट्स द इंडेस्ट सेल डेब्री सेल के अंदर जो कूड़ा करकट होता है उसको डाइजेस्ट करने का फंक्शन करती है लिम्फोसाइट्स इनजस्ट सेल डेब्रीज ये भी क्या करती है कि सेल की जो डेब्रीज होती है कूड़ा करकट होती है उसको इनजस्ट कर लेती है भक्षण कर लेती है मास्ट सेल्स प्रोड्यूस स्टेमिन हिपेरिन सेरेटोनिन करती है टिश्यू एंड आर फेगोसाइटिक इन नेचर जो रेटिकुलर सेल्स होती है फेगोसाइटिक फंक्शन करती है मतलब भक्षण करती है किसका भक्षण करेगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भक्षण करेगी या सेल्स के अंदर जो कि डेबरिज होती है उसको

और जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है आपको उसमें पढ़ना है कार्टिलियस तथा बोन को जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं इसके अंदर ब्लड और लिम्फ पड़ेंगे फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इसके फोर टाइप्स होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लोकेशन बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्किन स्किन के नीचे पाए जाते हैं इन मोनी मैनी होलो विसरल ऑर्गन्स बॉडी के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं जो होलो होते हैं खोखले होते हैं वहाँ पाए जाते हैं द वाल ऑफ आर्टरीज और वेंस वेंस और आर्टरीज की जो वाल होती है उसमें पाए जाते हैं स्ट्रक्चर मेट्रिक्स इज लूज ग्लाइको प्रोटीन विच इज फाउंड थ्री टाइप ऑफ सेल्स इनका जो मेट्रिक्स होता है फ्लूड होता है वो किसका बना होता है ग्लाइको प्रोटीन का बना होता है जिसमें थ्री टाइप की सेल्स पाई जाती है पहली है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दूसरी है मैक्रोफेजेस जो फाइब्रोब्लास्ट होती है लार्ज होती है फ्लैट होती है स्पिंडल शेप होती होती है होती है ब्रांचिंग सेल्स शेप होगा इसका कैसा ब्रांचिंग होगी लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा ओवल होगा इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट विच कॉल्ड फाइबर जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स होती है इनएक्टिव होती है जिसके द्वारा फाइबर फॉर्म नहीं होते हैं उसको फिब्रोसाइड्स कहते हैं सेकेंड हिस्टियोसाइट्स और मैक्रोफेजेस लार्ज और वांड्रिंग सेल्स होती है का मतलब कहीं पे भी घूमना फिरना हैविंग अ सेंट्रल न्यूक्लियस जिसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है दे फेगोसाइटिक इन नेचर ये फेगोसाइटिक होती है मतलब फीड करेगी भक्षण करेगी किसका सेल डेब्रिज का भक्षण करेगी बैक्टीरिया का और जितने भी फॉरिन पार्टिकल सेल्स के अंदर आ जाते हैं उनको इंजेस्ट करने का काम करेगी इसलिए घूमती रहती है पूरी सेल्स के अंदर

एलर्जी क्रिएशन को कॉजेस करता है जब एलर्जन बॉडी के अंदर जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या करता है ये कुछ सिम्टम शो करने लगता है डिक्रीज द ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है सैरेटोनिन कॉन्सिक ब्लड वेसल्स ये ब्लड वेसल्स की वॉल को क्या कर देता है कॉन्सिक्ट कर देता है जिससे अंदर का जो पैसेज होता है ब्लड वेसल्स का वो नेरो हो जाता है अब नेरो होने के कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हिपेरिन प्रिवेंट द ब्लड कोएगुलेशन इनसाइड द ब्लड वेसल्स ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता एंटी कोएगुलेंट की तरफ वर्क करता है यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर आप सबसे पहले देखेंगे फ्लूइड जिसके क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं उसके अंदर बहुत सारे सेल्स सस्पेंडेड होती पहली जो सेल्स है फाइब्रोब्लास्ट होती है उसके अंदर फाइबर्स होते हैं वाइट फाइबर्स येलो फाइबर्स होते हैं हिस्टियोसाइड सेल्स होती है जो वाइन्टरिंग सेल्स होती हैं जिनको माइक्रोफेजेस कहते हैं तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एरियलर कनेक्टिव टिश्यू का होता है जिसके अंदर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड होते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर फाउंड इन द एर कनेक्टिव टिश्यू जो एरियर कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स होते हैं तो उसके अंदर टू टाइप्स के फाइबर होते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर्स जिनका कलर कैसा होता है व्हाइट होता है वेवी होता है मतलब जाल नुमा होता है ये अनब्रांच होते हैं और मोटे होते हैं नॉन इलास्टिक होते हैं मतलब इनका इनमें खिंचाव की जो क्षमता है वो नहीं होती दिस फाइबर यील्ड अ प्रोटीन कोलेजन ऑन बॉइलिंग ये जो फाइबर्स बने होते हैं कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं दे आर रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग एंड आर इन इलास्टिक इनमें खिंचाव की क्षमता नहीं होती दे आर अरेंज इन द बंडल जो बंडल के फॉर्म इस डायग्राम में देखेंगे जो अरेंज है वो क्या है आपके वाइट फाइबर्स हैं सेकेंड येलो इलास्टिन फाइबर कलर कैसा होगा येलो और इलास्टिन मतलब इनमें खींचने की जो कैपेसिटी होगी खिंचाव होगा इनमें ये येलो होते हैं थीन होते हैं पतले होते हैं स्ट्रेट होते हैं ब्रांच फाइबर होते हैं जैसे वाइट कोलेजन फाइबर थे उसके अपोजिट कैरेक्टर में होंगे दिस फाइबर आर अरेंज इन द बंडल दे यील्ड इलास्टिन प्रोटीन ऑन बॉइलिंग तो ये किन प्रोटीन से बने होते हैं इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं इस डायग्राम में आप देखेंगे कि येलो जो थिक फाइबर्स हैं वो क्योंकि थिक कैसे हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे थिन थिन जो फाइबर है आपस में अरेंज हो जाते हैं बंडल के फॉर्म में तो जो बंडल होता है वो थिक हो जाता है थी टिश्यू अब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे इट इज ऑफ टिश्यू टिश्यू ये aerial 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 टीशु का, का होता है इन द विद्रोसाइट्स आर ट्रांसफॉर्म इन द फैट स्टोरिंग सेल्स जिसके अंदर जो फाइब्रोसाइट्स होती है सेल्स वो कन्वर्ट हो जाती है ऐसी सेल्स में जिनके अंदर फैट को स्टोर किया जाता है तो जब ये सेल्स फैट को स्टोर करने लगती है तो इनको एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं यू कैन सी इन दिस डायग्राम जो होलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं गोल गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये कौन सी से? एडिपोसाइट सेल्स जब एडिपोसाइट सेल्स के अंदर फैट नहीं होता है तो ये क्या होती है एम्प्टी होती है जब इसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो आपको जो आपको ब्लैक कलर के जो स्पॉट दिख रहे हैं ये फैट है और जो स्फेरिकलर कलर की जो सेल दिख रही है ये क्या है एडिपोसाइड सेल्स होती है तो एडिपोसाइड सेल्स के अंदर क्या होता है फैट स्टोर हो जाता है फंक्शन फंक्शन यही होता है कि ये जो सेल्स होती है फैट्स को स्टोर करती है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू पिगमेंटेड सेल्स और क्रोमेटोफोर्स आर फाउंड इन द डर्मिस ऑफ स्किन जो स्किन का डर्मिस वाला रीज़न होता है ऊपर का जो रीजन होता है उसके अंदर क्रोमेटोफोर्स होती है पिगमेंटेड सेल्स होती है जिसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये पिगमेंट्स स्किन को तथा आइज़ को कलर प्रोवाइड करते हैं द पिगमेंटेड सेल्स ऑफ स्किन पजेज द पिगमेंट पिगमेंट नोन एज मेलेनिन जो पिगमेंटेड सेल्स होती है स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है मेलेनिन होता है जो कि स्किन के कलर के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट वन रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ स्टार शेप्स रेटिकुलर सेल्स इसके अंदर जो सेल्स होती है उनका शेप कैसा होता है स्टार शेप होता है देयर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस जॉइंट फॉर्म अ नेटवर्क इनके जो प्रोटोप्लाज्मिक लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं ये प्रोसेस एक सेल से दूसरी सेल्स जुड़कर एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं ये जो रेटिकुलर सेल्स होती है इनका नेचर फैगोसाइटिक होता है मतलब ये किसको

कि बहुत सारे नेटवर्क बना हुआ है जिसके अंदर दूसरी जो सेल्स होती है वो सस्पेंडेड होती है मेट्रिक्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ये जो टिश्यू होते हैं बहुत क्लोजली पैक होते हैं एक के पास एक मेट्रिक्स के अंदर सस्पेंडेड होते हैं इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ शीट्स बैंड्स एंड कॉर्ड ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं तो शीट के रूप में या बैंड्स के रूप में कॉर्ड के रूप में पाए जाते हैं और जनरली ये डर्मिस और लिगामेंट्स के अंदर पाए जाते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं वाइट फाइब्रस टिश्यू कलर कैसा होगा इनका वाइट होगा और ये बने होंगे किसके कोलेजन फाइबर्स के इट हैज अ फ्यू फाइब्रोब्लास्ट ब्लास्ट स्केटर्ड इन बिटवीन द डेंसली पैक्ड थिक वाइट कोलेजन फाइबर्स जो वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनके अंदर ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बिखरी हुई होती है इट हैज़ द ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इनमें खिंचाव की जो क्षमता होती है वजन को सहन करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है वाइट फाइब्रस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द जॉइंट्स ऑफ स्कल बोन्स दैट मेक देम मूवेबल और जो वाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं स्कल्स की जो बोन्स होती है उनके जो जॉइंट्स होते हैं उनके जो बोन्स में उनके अंदर पाई जाती है जिसके कारण स्कल जो होता है इमूवेबल होता है अब जो वाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं एक टेंडॉन होता है दूसरा लिगामेंट होता है टेंडॉन जो होता है बहुत डेंस होता है स्ट्रांग होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है और बना होता है किसका वाइट फाइब्रस कोलेजन फाइबर्स का टेंडन फॉर्मिंग द स्ट्रांग एक्सटेंसिबल कनेक्शन बिटवीन द मसल्स टू बोन तो ये किसको जोड़ने का काम करेगा बोन्स को मसल से जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता उसको tendon है उसको टेंडॉन कहते हैं सेकेंड आता है लिगामेंट ये जो लिगामेंट होता है ये भी क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है जो येलो इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है और ये किसको जोड़ेगा दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करने वाला है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको लिगामेंट कहते हैं सेकेंड आता है येलो फाइबरस टिश्यू दिस टिश्यू मेड अप ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर ये जो टिश्यू होते हैं पीले कलर के इलास्टिन फाइबर के बने होते हैं जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल होते हैं दिस टिश्यू कंटेंट द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इन टिश्यू के अंदर बहुत कम मात्रा में मैट्रिक्स भी पाया जाता है